गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमें जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो हम पढ़ रहे थे बच्चों। हमने ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है वो हमने ज़्यादातर पढ़ लिए थे, जो भी हमने काम किए थे वो हमने सारे पढ़ लिए। हम अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़ रहे थे और आज जो अपना जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स से प्रोग्रेशन। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में आपने मैथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा बच्चों। प्रोग्रेशन बोले तो सीरीज, अगर हमारे पास नंबर की कोई सीरीज है और वो ऐड हो रहे हैं तो उनका जो इक्वलेंट रिजल्ट क्या आएगा वो हमें ये जो मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन है इससे हम वो इजीली शोले कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में 3 टाइप की प्रोग्रेशन होती है, 3 टाइप की सीरीज होती है बच्चों। देर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों एपी। सेकंड जो होती है वो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं बच्चों जीपी। थर्ड जो होती है वो होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ओके। देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन इन ए मैथमेटिक्स, एपी, जीपी एंड एचपी, ओके। कहने मतलब ये है कि हमारे पास कोई नंबर की सीरीज ही होगी और सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम इन्हें जो प्रोग्रेशन है इनकी हेल्प से हम उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई भी सीरीज गिवन हो देन आपको पता कैसे चलेगा कि वो एपी है, जीपी है कि एचपी है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि जो गिवन सीरीज जो है, गिवन जो प्रोग्रेशन है वो अपना एपी है कि जीपी है कि एचपी है। तो सबसे पहले बच्चों ये नोट कर लेंगे, ओके बच्चों। तो सबसे पहले हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ेंगे। एपी क्या होती है इसको हमें देखते हैं बच्चों। नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन बोले तो एपी। एपी क्या होती है बच्चों, कोई भी गिवन सीरीज है वो हमारे पास एपी कब होगी। देखो बच्चों हमारे पास सीरीज अगर ऐसे गिवन हो ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे आपको अगर सीरीज गिवन है, ऐसे आपको टर्म गिवन है तो ये एपी होगा। तो ये एपी क्यों होगा, ये अपने जो गिवन सीरीज है वो एपी होगी या नहीं होगी, या हम इसको बोल रहे एपी, तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि गिवन सीरीज अपनी एपी है कि नहीं है। अगर एपी है फिर हम एपी के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, जीपी है तो जीपी के फॉर्मूले, एचपी है तो एचपी के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों एपी के लिए क्या कंडीशन होगा, जो फर्स्ट टर्म होता है ये ए, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं बच्चों, ये फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन हो गया, ओके। ये तो फर्स्ट टर्म है वो तो एपी में भी आएगा, जीपी में भी आएगा और एचपी में भी आएगा। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम फर्स्ट टर्म बोल दिया, जो कोई भी प्रोग्रेशन आपको, कोई भी सीरीज आपको गिवन होगी ये इसका फर्स्ट टर्म होगा, ओके। अब देखिए बच्चों एक होता है डी, यहाँ पर क्या होगा डी, डी जो होता है वह कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो सीरीज है वो ए और डी के टर्म में ही है बच्चों, ए और डी के टर्म में है। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ओके। और ये कॉमन जो डिफरेंस है इसी से हमें पता चलेगा कि गिवन सीरीज, गिवन प्रोग्रेशन अपना एपी है कि नहीं है। देखो कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, कॉमन बोले तो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ओके।
कैसे हम डिफरेंस देखेंगे बच्चों, इन टर्म्स के मध्य हमें डिफरेंस से देखना है। सक्सेसिव आपको टर्म्स लेने हैं और उनको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है और डिफरेंस निकालना है। जैसे सेकंड टर्म, ये जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे आपको टर्म है, ऐसे आगे तक जाएंगे। हमें डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालना है और वो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना क्या होगा। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो आगे जस्ट आगे जो टर्म्स होगा उससे आपको प्रीवियस वाला जो टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए, सेकंड में से हम फर्स्ट घटा देते हैं, ए प्लस डी में माइनस, हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड माइनस हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड माइनस से फर्स्ट कर देते हैं। ओके, तो देखिए क्या आएगा, ए प्लस डी सेकंड माइनस से फर्स्ट। सेकेंड वाला टर्म ए प्लस डी है, माइनस से फर्स्ट वाला टर्म क्या है, डी, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सॉरी बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास डिफरेंस क्या आया बच्चों, डी आया। ओके, तो यहां पर डिफरेंस डी आ गया। हमें पूरी सीरीज को देखना है, पूरे सीरीज के जो टर्म्स है उनका डिफरेंस देखना है। ओके, सक्सेसिव जो टर्म्स है उनका डिफरेंस। अब देखो, हमें यहां से देखो तो थर्ड टर्म लेंगे तो इससे पहले वाला टर्म कौन सा है बच्चों, सेकंड है। तो देखिए सेकंड माइनस सॉरी थर्ड माइनस अगर सेकंड करेंगे हम, थर्ड माइनस है सेकंड, तो देखिए डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, थर्ड टर्म अपने पास क्या है, ए प्लस टू डी है, माइनस सेकंड टर्म अपने पास क्या है, ए प्लस डी है बच्चों। ओके, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं बच्चों, क्या आएगा, ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ए से ए कैंसिल, 2d में से d गया तो क्या बचा बच्चों, d आया। यहाँ पे भी डिफरेंस d आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस d आ रहा है, डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। अब हम अगले वाले में देखते हैं, यहाँ पर दो जरूरी नहीं कि दो यहाँ पर इसमें से इसको घटाया और इसमें से इसको घटाया, हमें सेम आ गया, जरूरी नहीं आगे वाले में भी सेम आए। तो हमें पूरी सीरीज को चेक करना पड़ेगा, जितने भी टर्म आपको गिवन है, सारे टर्म नहीं गिवन होंगे, दो चार टर्म ही आपको गिवन दिए होंगे, उसके बाद डैश 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 लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी आपको टर्म्स गिवन है उनका आपको कॉमन डिफरेंस चेक करके देखना है। ओके, तो यहां से हम अगर फोर्थ में थर्ड को अगर सब्ट्रैक्ट करें, फोर्थ माइनस अगर हम थर्ड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको डिफरेंस बच्चों, फोर्थ वाला ए प्लस थ्री डी माइनस थर्ड वाला क्या है बच्चों, ए प्लस टू डी। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस थ्री डी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू डी, ए से ए कैंसिल, थ्री डी में से टू डी गया डी। हमारे पास मैंने इतने ही आपने टर्म लिए हैं और सभी टर्म के लिए हमने डिफरेंस निकाल लिया है और डिफरेंस है वो डी आ रहा है। बोले तो सभी में कॉन्स्टेंट चल रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अगर मान लो हमें कोई भी सीरीज गिवन है, वो सीरीज आपकी एपी भी हो सकती है, जीपी भी हो सकती है, एसपी भी हो सकती है, लेकिन एपी कब होगी, अगर मान लो सक्सेसिव टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो अगर कॉमन आ रहा है, बोले तो कॉन्स्टेंट चल रहा है, देन आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो क्या होगी, एपी। तो पहले तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि गिवन सीरीज अपनी एपी है कि नहीं है। तो यहां से इस ऑर्डर में कोई भी सीरीज होगी तो वो क्या होगी बच्चों, एपी होगी। ओके, कॉमन डिफरेंस सेम है आना चाहिए। और ये बात भी याद रखनी है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाना, यानी कि थर्ड में से फर्स्ट घटा दिया, ठीक है ना, जस्ट आगे वाले टर्म में से प्रीवियस वाला टर्म में आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना है। ओके, डिफरेंस निकालना। तो ये अपने पास क्या आ गई बच्चों, एपी है, ये एपी हो गई, ठीक है ना। अब इसमें दो फॉर्मूले मिलेंगे, अगर हम nth टर्म देखें, nth टर्म अगर निकालें, ये फॉर्मूला हमें nth टर्म हमें नहीं निकालना पूछते हैं। ओके बच्चों, nth टर्म हमें नहीं पूछते हैं निकालना, लेकिन हम लिख लेते हैं फॉर्मूला इसका। अगर हमारे पास कोई सीरीज गिवन हो और ap है और उसका nth है, nth वाला टर्म क्या होगा, जैसे हमें कोई सीरीज दे दी और उसमें कहे 20th टर्म क्या होगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास ही होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके,
ए हमारे पास कोई भी सीरीज गिवन होगी उसका इनिशियल जो भी आपके पास से टर्म है, जो भी आपका नंबर है वो ए हो जाएगा। डी हम डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस कोई भी दो टर्म के बीच में आप निकाल सकते हो, वो कॉमन ही आएगा तभी वो एपी होगी। तो एक बार एक इसमें से निकाल के देख सकते हैं, तो डी मिल जाएगा आपको। एन है जो भी आपको एन टर्म दे रखा है, 20th या 25 या 30 कोई भी टर्म आपको दिया हुआ, एन की वैल्यू रख देंगे तो हमें एन टर्म पता चल जाएगा, एन टर्म क्या होगा। ओके, सम ऑफ देखते हैं बच्चों, नोट कर लो फटाफट बच्चों, इतना नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। ओके बच्चों, नोटेड नोटेड। अब देखिए बच्चों, अब हम सम ऑफ मेन चीज ये है, हमें फिजिक्स में ये काम में आने वाली है, सम ऑफ एपी, एपी का सम क्या होगा। ओके, जैसे हमारे पास एपी है ए प्लस, पहले वाला टर्म ए है, दूसरे वाला ए प्लस डी है, तीसरे वाला क्या होता है बच्चों ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, इस प्रकार से एडिशन हो रहा है सभी टर्म्स का। क्या हो रहा बच्चों, एडिशन हो रहा है, तो इसका सम क्या आएगा, सम के लिए क्या फॉर्मूला आएगा वो देखिए बच्चों। एस एन, एन टर्म का अगर हम, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों, एन है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द एपी। अगर हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स है और उनका सम निकालना है तो सम हम इस फॉर्मे से निकाल सकते हैं। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कि ये हमारे पास कितने टर्म्स है। ओके, जैसे 20 टर्म्स तक निकालना है एडिशन या 40 टर्म तक निकालना है तो आपको कहेंगे कि ऐसे कोई सीरीज दे दी। ओके, जैसे आपको ये दे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ऐसे करके यहाँ लास्ट में 100 दे दिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों। अब आप 1 प्लस 2 3 कर दिया, फिर 3 प्लस 3 6 कर दिया, 6 प्लस 4 10 कर दिया, 10 प्लस 55 कर दिया 15, तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा आपको। आपको मुझे पता है आपको एडिशन आते हैं, फटाफट आप इसको ऐड करते जाओगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर हमें फॉर्मूला बताया गिवन सीरीज एपी है कि नहीं है, आप इसमें इसको घटा के देखें तो इनमें सभी में डिफरेंस जो है वो 1-1 का आएगा, इसलिए हमारे पास गिवन सीरीज है एपी है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने बच्चों, 100 ही होंगे, 1 to 100 है तो 100 होंगे। एन की वैल्यू 100 जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 250। ओके, 2 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या बच्चों, इनिशियल टर्म क्या है 1 है, 2 इंटू ए 2 हो जाएगा, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 99 हो गया। डी की वैल्यू क्या है 1 है, इसको आप सिंप्लीफाई करके सम निकाल सकते हो। ओके बच्चों, ओके, आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी आपको आता है ये एपी। ओके बच्चों, तो ये जो फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूले हमें केवल समीकरण वाला ध्यान में रखना है, एन टर्म अपना जो फिजिक्स में काम में नहीं आता, लेकिन सम वाला हमारे पास ऐसी कोई सीरीज बन जाती है जहां पर एपी बन जाती है या जीपी, तो उनका एडिशन हम कैसे करते हैं, तो एडिशन हम ऐसे अगर ऐड कर करके देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम अगर हमें सीधे ही पता चल जाए कि गिवन सीरीज अपनी एपी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हमें सोल्व कर सकते हैं और हमारा टाइम है बहुत बच जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लियोगे सभी बच्चों ने, इसके दो फॉर्मूले होंगे। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि गिवन सीरीज एपी है कि नहीं है, और एपी है इसके लिए क्या चेक करना बच्चों, डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देन गिवन सीरीज क्या होगी बच्चों, एपी होगी। और एपी है तो उसका समीशन का ये फॉर्मूला होगा, ए इज द इनिशियल नंबर, एन इज द नंबर ऑफ टोटल टर्म, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अब हम जीपी पढ़ते हैं बच्चों, जीपी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो हमें ये डेरिवेशन में कहीं नहीं आएगा बच्चों, ये जो सीरीज है अपनी डेरिवेशन में कहीं काम में नहीं आने वाली है, लेकिन न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे मिल जाएंगे हमें जहां पर अपनी जीपी एपी ये बन जाती है, तो उन सभी का एडिशन क्या कैसे करेंगे, तो इन फॉर्मूले को हम यूज में लेकर वो इजीली कर सकते हैं। तो सेकेंड जो अपने पास प्रोग्रेशन है वो है अपना जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी गिवन सीरीज अपनी जीपी कब होगी बच्चों, सीरीज तो होगी, वो एपी भी हो सकती है, जीपी भी हो सकती है। जीपी एपी का
तो हमें पता चल गया कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन सीरीज है वो एपी है, उसमें हमें कॉमन डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है देन वो एपी है। जीपी का कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, ये जो सीरीज हमारे पास इनिशियल, देखो इसमें टर्म, इसमें भी ए लिया हमने, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे चल रही है सीरीज। अगर ऐसे कोई सीरीज चल रही है तो इसको हम जीपी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बच्चों जीपी? क्या ये एपी हो सकती है? चलो टेस्ट करके देखते हैं, एपी टेस्ट करके देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। चेक करते हैं कि ये एपी है क्या। एपी चेक करें, एपी कैसे चेक करते हैं ये नोट करना है। मैं अभी जो एपी चेक कर रहा हूँ वो नोट नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। एपी कैसे चेक करते हैं हम, सेकंड माइनस फर्स्ट करके देख लो। ओके, सेकंड क्या है ए आर, माइनस फर्स्ट क्या ए, तो ये क्या है ए कॉमन आया, आर माइनस वन आया। ओके, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आया है वो ये आया बच्चों, ठीक है। अगर हम थर्ड में सेकंड को सब्स्टिट्यूट करते हैं, थर्ड माइनस सेकंड करें, तो देखिए थर्ड कितना है ए आर स्क्वायर, माइनस सेकंड कितना है ए आर। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, दोनों में ए कॉमन आ रहा है और साथ में आर भी कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है और आर भी। तो ए और आर कॉमन आया, आर स्क्वायर है तो यहाँ आर बच गया, माइनस यहाँ ए आर कॉमन आया वन। क्या ये दोनों सेम है बच्चों? आर माइनस वन तो सेम है, लेकिन इसमें ए, इसमें ए आर है, दैट इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस सीरीज इज नॉट ए एपी, एपी नहीं है। ओके, अब देखो जीपी कैसे होगी। जीपी के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, गिवन सीरीज अपनी जीपी है कि नहीं है, इसका हमें पता कैसे चलेगा वो देखिए बच्चों। ए जो है यहाँ पर, यहाँ पर भी ए क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है। ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। और आर देखो, ये जो अपने पास सीरीज है इसमें दो ही क्या है, वेरिएबल है। एक तो हमारे पास क्या है, ए है, एक आर है। ए तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। आर क्या होगा, देखिए आर क्या होगा, कॉमन रेशियो। आर को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन रेशियो बोलते हैं। वहां पर कॉमन डिफरेंस देखना होता है, यहां पर रेशियो देखना होता है। वहां पर हम सक्सेसिव टर्म में डिफरेंस निकाल रहे थे, यहां पर सक्सेसिव टर्म का क्या लेना बच्चों, रेशियो लेना है। और अगर वो रेशियो इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स गिवन सीरीज क्या होगी बच्चों, जीपी होगी। हम चेक करके देखते हैं कि ये हमारे पास सीरीज है तो क्या वो जीपी है। देखिए आपको क्या करना, सक्सेसिव, सक्सेसिव बोले तो वहां हम क्या कर रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे, यहां पर आपको रेशियो लेना है। तो सेकंड डिवाइडेड बाई वन, सेकंड डिवाइडेड बाई अगर फर्स्ट करके देखे, रेशियो निकाल के देखे, तो देखिए बच्चों सेकंड क्या है, ए आर है, डिवाइडेड बाई फर्स्ट क्या है, ए, ए से ए कैंसिल, रेशियो क्या आया बच्चों, आर आया, आया ना। अब देखिए हम निकालेंगे थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, सक्सेसिव, थर्ड में इससे पहले वाले का डिवाइड करना सेकेंड का। थर्ड अपने पास क्या है बच्चों, ए आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई सेकेंड क्या है, ए आर, ए से ए कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, क्या है बच्चों, आर आया। ओके, अब हमें फोर्थ में डिवाइड कर देते हैं थर्ड का, फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड अगर हम देखें, फोर्थ क्या है बच्चों, ए आर क्यूब, डिवाइडेड बाई थर्ड क्या है, ए आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, आर क्यूब, आर क्यूब ऊपर नीचे आर स्क्वायर, तो क्या बचा, आर बचा। अब हम एक टर्म और है, फिफ्थ डिवाइडेड बाई फोर्थ करके अगर देखें, तो फिफ्थ क्या है, ए आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए आर क्यूब, ए से ए कैंसिल, क्या बचा, आर। यहाँ पर आप देखो सक्सेसिव टर्म का अगर आप रेशियो लेकर देखोगे तो सभी के लिए रेशियो सेम आ रहा है, आर 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 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रेशियो सेम आता है देन वो जीपी होगा, डिफरेंस सेम आता है तो एपी होता है। उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि गिवन अपने पास सीरीज है वो जीपी कब होगी। जीपी के लिए आपको क्या टेस्ट करना बच्चों, रेशियो, सक्सेसिव जो टर्म्स है उनका आपको रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा। रेशियो अगर सेम आएगा देन क्या होगी, वो जीपी होगी। ये फटाफट नोट कर लेंगे सभी बच्चे। नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। ओके बच्चों, अब देखिए इसके लिए भी हम एनथ टर्म और समीशन दो ही फॉर्मूले हम देखेंगे। इसका जो एनथ टर्म होगा, देखिए एनथ टर्म ऑफ जीपी,
जीपी का एनट गिवन जो अपने पास जीपी है उसका एनट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनट टर्म ऑफ ए जीपी। ए हमें पता है कि कोई भी अगर हमें जीपी गिवन होगी, जैसे मान लो हमें ये दे दिया वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट, ओके, या मैं सिंपल सा दे देता हूँ वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन, ऐसे आपको दे दिया और आपको कहेगी ट्वेंटी टर्म तक देखना है एन की वैल्यू, मतलब कितने टोटल टर्म कितने हैं ट्वेंटी तक देखना है, ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक है आगे फिफ्टीन, ऐसे जगह चलते जाएंगे। तो ये क्या अपनी ए पी है, टू माइनस वन कितना है वन, फोर माइनस टू टू आया, इसका मतलब ये एपी नहीं है। जीपी टेस्ट करके देखते हैं, टू डिवाइडेड बाई वन क्या आया टू आया, फोर डिवाइडेड बाई टू टू आया, एट डिवाइडेड बाई फोर टू आया, सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एट टू आया, इसका मतलब गिवन सीरीज क्या है बच्चों, जीपी है और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं ट्वेंटी है, ओके। अगर आपको कहे कि इसका इलेवंथ टर्म क्या होगा, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इलेवंथ आ गई, इलेवंथ आपको निकालना है। तो एक इनिशियल जो टर्म है वो ए कितना है वन है, आर की वैल्यू हम देखें तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा बच्चों टू आ रहा है, एन एन कितना बच्चों इलेवंथ टर्म पूछिए तो इलेवन माइनस वन टेन, ओके टू द पावर टेन आ जाएगी, ओके बच्चों। तो एन टर्म आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, ये हमें यूज में नहीं आएगा, टर्म नहीं निकालना है, वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। सम देखते हैं, सम हमारे काम की चीज है बच्चों, सम ऑफ जीपी, अगर हमें कोई सीरीज गिवन है, ओके, और वो जीपी है तो उसका सम क्या होगा, जैसे हमारे पास एस इस फॉर्म में सीरीज होगी, ए पहला जो टर्म होगा वो ए होगा, दूसरा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे करके चल रहा है ये, और ए आर एन तक चल रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए इसमें, देखो बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, एन हो गए, या एन माइनस वन तक चल रहा है ये, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए बच्चे, बच्चों एन हो गए, क्या हो गए एन। तो एन टर्म तक अगर हमारे पास कोई सीरीज चल रही है, एन कितने हैं नंबर ऑफ टर्न है एन है, तो उसका जो समीशन होगा वो ये होगा एस एन, एस एन बोले तो एस बोले तो सम, एन बोले तो एन जो टर्म है उन सभी का सम, इन सभी को ऐड करना है तो एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस ए आर, ओके बच्चों, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब आपको अप्लाई करना है, वेन आर इज लेस देन वन, आपको समीशन के तीन फॉर्मूले यहां पर मैं बताऊंगा, चार फॉर्मूले, अगर अपना ये जो कॉमन रेशियो आ रहा है उसकी वैल्यू वन से अगर लेस है, जैसे मान लो वन बाई टू आ गया, वन बाई फोर है, वन बाई एट है, ठीक है ना, ऐसे है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन रेशियो देखें तो वन बाई फोर डिवाइडेड बाई वन बाई टू कितना आ रहा है वन बाई टू, वन बाई टू वन से क्या है लेस है, आर की वैल्यू अगर वन से लेस होगी देन आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है समीशन का। लेकिन ये दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों, देखो अगर कुछ नहीं है बच्चों, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बस आपको यही करना है कि यहां से देखो इसमें वन में घट रहा है और इसमें आर में से घट जाएगा, अगर आपका आर ग्रेटर देन वन है देन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेस देन वन है तो वन में से घटाना है और आर ग्रेटर देन वन है तो आर में से घटाना है, ओके बच्चों, समझ में आया होगा, ओके। अगर देखो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं बच्चों इसमें, और वही फॉर्मूले हमें फिजिक्स में काम में आने वाले हैं, नोट कर लिया होगा, इधर से मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ये नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। देखिए अगर अपनी सीरीज जो है, जैसे हमारे पास ये गिवन सीरीज है, ठीक है, अगर हमारी सीरीज इनफाइनेट तक जा रही है, एन की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों इनफाइनेट लिख दिया, एन की जगह इनफाइनेट बोले तो अपनी जीपी है कहां तक है अनंत तक जा रही है, इनफाइनेट तक जा रही है, यहां पर ऐसे लिखा हो इनफाइनेट,
ओके बच्चों, इनफाइनाइट तक अपने अगर सीरीज आएगी तो क्या होगा, ये मैं सीरीज दोबारा आपको लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब और प्लस प्लस ऐसे करके इनफाइनाइट तक अपनी सीरीज जा रही है, तो इसका सम क्या होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो ए आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म जो है वो लिमिटेड है कि 100 हो सकता है, 200 टर्म तक हो सकता है, लेकिन अपनी जीपी अगर इनफाइनाइट तक जा रही है, ओके, यहाँ लास्ट में प्लस प्लस इनफाइनाइट आ गया, देन उसका देखो आपका क्या आएगा फॉर्मूला, एस इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं बच्चों, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है तो ये नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। उसका फॉर्मूला आएगा ए अपॉन वन माइनस ए आर, ओके, ओनली इतना सा फॉर्मूला आएगा। इसकी वैल्यू जो है वो वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वन हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला, केवल ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है, इनफाइनाइट तक अगर चलेगी तो ये आएगा दिस इज द इनिशियल टर्म एंड दिस इज द कॉमन रेशियो, और इनिशियल टर्म दो की जरूरत है तो हम समीशन निकाल सकते हैं अगर अपनी सीरीज इनफाइनाइट तक चलती है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा वेन, यहां से देखो वन में से घट रहा आर, इसका मतलब आर क्या होगा बच्चों, लेस देन वन होगा, लेस देन वन होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपका एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इनफाइनाइट आएगी, कब, वेन आर इज ग्रेटर देन वन, अगर आर की वैल्यू वन से अगर ज्यादा है देन इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही आती है। ये हमें कहीं काम में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये काम में आएगा। यहाँ अपने पास ऐसी ही सीरीज मिलेगी जीपी जो इनफाइनाइट तक चलेगी, तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कोई भी सीरीज हमें मिलेगी, जैसे मान लो ये सीरीज है 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई फोर प्लस 1 बाई एट प्लस 1 बाई 16, ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इन सब का एडिशन क्या होगा। आप ऐड कर करके थोड़ी देखोगे, हमें पता ही नहीं कहाँ तक चल रहा है, तो आप कितने भी ऐड करते जाओ, लाख एक करोड़ कितने तक ही ऐड करते जाओ, हमें नंबर ऑफ टर्न्स पता ही नहीं है यहाँ पर, ओके। तो आप सिंपल अगर मैथमेटिक्स लगा के आप सोचोगे हम सीधे एडिशन तो हमें आता ही है, इन दोनों सभी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो तब लोगे ना यहाँ पर नंबरों पे जो टर्म है वो लिमिटेड हो, ओके। तो इन सब का एडिशन क्या होगा, तो ये गिवन सीरीज अपने पास जीपी है, देख सकते हो आप बच्चों, वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन, वन बाई टू, वन बाई फोर डिवाइडेड बाई वन बाई टू, वन बाई टू आया, वन बाई एट डिवाइडेड बाई वन बाई फोर कितना आया, वन बाई टू आया, ठीक है ना। तो ये जीपी है तो ये इनफाइनाइट तक चल रही है, तो एस इसका जो समीशन आएगा एस इनफाइनाइट, यहां पर आर की वैल्यू देखे तो आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वन बाई टू आएगी, ठीक है ना, वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन, वन बाई टू, वन बाई फोर डिवाइडेड बाई वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई एट डिवाइडेड बाई वन बाई फोर, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू आएगा, कॉमन रेशियो वन बाई टू आएगा, वन बाई टू आर से क्या है, लेस होता है कि ग्रेटर होता है, लेस होता है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला यूज में आएगा इनफाइनाइट वाला। ए ए जो इनिशियल टर्म है वो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो बच्चों ए की वैल्यू क्या आई, वन आई, डी की वैल्यू क्या आई है, वन बाई, सॉरी आर की वैल्यू क्या आई है, वन बाई टू, ओके। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस, ए की वैल्यू वन रख दी, ओके, और वन माइनस आर की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो वन अपॉन ये वन में से वन बाई टू घटाया, वन बाई टू बोले तो टू आ गया, क्या आ गया, टू, सिंपल सा हो गया, एक लाइन में ही हो गया बच्चों, ओके, समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ओके। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं एचपी, एचपी हमें कहीं पे भी काम में नहीं आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों, ठीक है ना। देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी कोई भी गिवन सीरीज है, एचपी कब होगी बच्चों, अगर अपना ये हो वन अपॉन ए, वन अपॉन ए प्लस डी, वन अपॉन ए प्लस टू डी, ऐसे करके अपनी अगर सीरीज हो देन वो क्या होती है, एचपी। और एचपी का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, इसका nth टर्म an बराबर क्या होगा, वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके।
तो एचपी आपको कहीं काम में नहीं आने वाली, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो एचपी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हमें ज़्यादातर जीपी ही काम में आएगी, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हमें कल पढ़ेंगे। ओके, जो मैथमेटिक्स जो प्रोग्रेशन है थ्री टाइप्स के, उसके हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए हैं, ये हमें आगे भी यूज में आएंगे। मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो 11th क्लास में पढ़ेंगे ये, ठीक है ना, प्रोग्रेशन। ओके, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि अपनी सीरीज कहाँ तक चल रही है, एपी का एपी है कि जीपी है, पहले तो ये चेक करना है। एपी और जीपी, एचपी को छोड़ो आप, एचपी काम में नहीं आएगी, ठीक है ना। एपी है कि जीपी है, एपी के लिए कॉमन डिफरेंस देखना है, जीपी के लिए कॉमन रेशियो देखना है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी, कॉमन रेशियो सेम है तो जीपी है। उसके बाद में एडिशन वाले जो फॉर्मूले वो याद रखने, अगर गिवन सीरीज अगर अपनी जीपी है तो उसका एडिशन क्या होगा, गिवन सीरीज अगर जीपी है तो उसका एडिशन क्या होगा, उसके एडिशन में भी आपको इनफाइनेट वाला ध्यान में रखना है। और इनफाइनेट वाले में वो जो लेस देन वन आता है आर की वैल्यू, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, a अपॉन वन माइनस ए आर होता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।